नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में RRC रेलवे ग्रुप डी का जो फेस वन का एग्ज़ाम हुआ 17 से 25 अगस्त, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा और अटेंडेंस इसमें आपको कितनी देखने को मिली, और अनरिजर्व OBC शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब EWS के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेस वन RRC ग्रुप डी का 17 से 25 अगस्त को एग्ज़ाम आयोजित करा लिया गया। फेस वन की परीक्षा कंप्लीट यहां पे हो चुकी है। बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल की। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का जो लेवल था, मॉडरेट लेवल का सवाल पूछे गए। मॉडरेट दोस्तों इसलिए क्योंकि आप लोगों को मालूम है रेलवे ने इससे पहले काफ़ी एग्ज़ाम कराए। RRB ALP का एग्ज़ाम हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद NTPC का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ। तो दोस्तों, जो सवाल इनमें पूछे गए थे, इस बार के सवाल इनमें से रिपीट यहाँ पे नहीं हुए। इस बार की जो एग्ज़ाम थे, नए सवाल पूछे गए और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल पूछे गए। और रीजनिंग और जो GK का पोर्शन था, कैंडिडेट्स को काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न भी हुआ, जिसके वजह से एग्ज़ाम का जो लेवल है मॉडरेट मैंने आप इसमें डिफ़ाइन किया। इसके बाद अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो अटेंडेंस लगभग सभी जगहों पे 45 से 50% देखने को मिली है। तो कैंडिडेट्स जब एग्ज़ाम सेंटर से भर आए, तो उन लोगों ने बताया कि उनके लैब में 15 बच्चे थे। किसी कैंडिडेट्स ने बोला उनकी लैब में 20 से 25 बच्चे थे, और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन लोगों ने बोला कि उनकी लैब में जो रो है जिसमें वो कैंडिडेट बैठा था, उसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट बैठे थे। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर यहाँ पर रहेगा जो कैंडिडेट्स इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन इसी में से ही रहेगा। तो ये मान कर चल देते हैं हम लोग 50% अटेंडेंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 64 से 66 अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का अच्छा चांस है सिलेक्शन होने के लिए। इसके बाद OBC की बात कर लेते हैं, तो 62 से 64 नंबर अगर आप लोग इस बीच नंबर ला रहे हैं, अपने रॉ मार्क्स ला रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे फेस वन में आगे के राउंड के लिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 60 से 62 है। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए 58 to 60 है, और EWS के लिए 60 से लेकर 64। तो ये रेंज मैंने यहाँ पे इसमें सेलेक्ट की, और कट ऑफ आप लोगों को इन्हीं रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कट ऑफ का अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें जिनका आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और जो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आएगा कैटेगरी वाइज। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, हर अपडेट आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।